हेलो फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही झटपट जो सोयाबीन की भाजी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तेल में मैंने जीरा, तेजपत्ता और जितने भी अखे मसाले होते हैं वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद में मैंने यहाँ पे गार्लिक को नॉर्मल बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है ऑनियन। यहाँ पे मैं मसाला नहीं पीसूँगी, बिना मसाला पीसे भी बहुत ही टेस्टी जो है आप सोयाबीन बना सकते हैं। और मैं एकदम झटपट बताती हूँ, बिकॉज आप जो पूरा वीडियो देखते नहीं और कोई भी नहीं देखता पूरा वीडियो, इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बताती हूँ ताकि आपको बोर ना हो। जब प्याज हो जाए तो यहाँ पर टमाटर डाल दीजिए। टमाटर डाल के मैंने यहाँ पर सोयाबीन को ऑलरेडी जो है भिगो के रखा था, उसका पानी निकाल के, और यहाँ पर मैंने सोयाबीन डाल दिया है। उसके बाद में सोयाबीन डालने के बाद मैं यहाँ पर जीरा और अदरक का पेस्ट रखती हूँ। ये पेस्ट आप हमेशा बना के रखें तो आपकी कोई भी भाजी बहुत ही इजीली बन जाएगी। यहाँ पे मैंने डाला है नमक। नमक डाल के वापस एक बार अच्छे से चला लीजिए। और नमक डालने के बाद में यहाँ पे आप डालिए हल्दी, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डाला है धनिया जीरा का पाउडर, और यहाँ पे डाला है गरम मसाला कस्तूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने अच्छे से जो है सबको मिक्स कर लिया है, बिकॉज सारे मसाले सूखे हैं तो पानी एकदम कम डालिएगा। और इस तरह से देखिए थोड़ी देर बाद आपका जो ऑल मसाला जो है वो मिक्स हो जाएगा। और इसको आप ढक दीजिए कम से कम 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट ढकने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सोयाबीन जो है आपका जो है अच्छे से फ्राई हो गया। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए, कितना पानी आपको चाहिए। मुझे सोयाबीन ज़्यादा पानी नहीं पसंद, इसलिए मैं थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से 3-4 बॉयल आने दीजिए। 3-4 बॉयल जब आने लगेगा तो उसके बाद में आप धनिया डाल दीजिए। धनिया डाल के वापस इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाइए। तो जब पानी कम हो जाए सोयाबीन का, तो आपका सोयाबीन बन के जो है वो रेडी हो चुका है। से चावल रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखने में सिंपल लग रहा है, बट ये खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। मेन जो है वो आप जीरा और अदरक का पेस्ट कर लीजिए, उससे जो है आप कोई भी खाना बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितना देख के अच्छा लग रहा है। रोटी के साथ, पराठा के साथ में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।